वन का थर्ड लेक्चर लेटेंट हीट के बारे में हम अभी समझेंगे। लेटेंट हीट का मीनिंग क्या है? वैसे हम ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको बेटे समझा ही दिया था कि जब एक 0 डिग्री सेल्सियस, अभी तक हमने ऐसा ही सुना है कि कोई भी चीज को हीट देगी, गर्म करेगी, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहां यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले आइस को यदि हम हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे, तो वो वाटर में जब कन्वर्ट होता है 0 डिग्री ही सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ एक समझने की बात ये है, तो ये जो हीट हमने दी वो कहाँ यूज हुई, उसका यूज कहाँ हुआ? तो यहाँ उसका यूज हुआ स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में था और ये सॉलिड फॉर्म में था। इस सॉलिड फॉर्म में से हमने कन्वर्ट किया लिक्विड फॉर्म में, हमने कन्वर्ट किया लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ सॉलिड से ऑब्जेक्ट किसमें गया? लिक्विड में गया, यानी कि सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। उस हीट को बोलेंगे हम लेटेंट हीट। ओके, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है बच्चों, समझ लेते हम। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। वो हीट जो रिलीज हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है। अब बोले सर रिलीज कहां से आएगी? तो यही यदि सेम उल्टी प्रोसेस होगी, जब वाटर में से आइस हम फ्रिज के अंदर जब वाटर रखेंगे, उस वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस का जब आइस में कन्वर्ट होगा, तो काफी सारी हीट फ्रिज के पीछे जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? हीट के अंदर। वो हीट जो है वो जनरली अभी तो लेटेस्ट फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसके अंदर वो हीट है ना, उसको फ्रिज क्या कर देता है? वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद ही अपना इवापोरेशन कर देता है, यानी कि एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं निकला। लेकिन पहले के जमाने में क्या था, कोई भी फ्रिज होता तो उसके पीछे एक ऐसा एक ट्रे आता था जिसके अंदर पानी क्या होता है, जमा होता था। और वो पानी कौन सा होता है जो हीट में कन्वर्ट हुई, आइस, जब वाटर जब आइस में कन्वर्ट हुआ तब जो हीट रिलीज हो रही थी वो सारी की सारी हीट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस वाटर को, उस पानी को ट्रे में से निकाल के बाहर फेंकना था। इसी हिसाब से पहले के रेफ्रिजरेटर आते थे, लेकिन अभी रेफ्रिजरेटर स्मार्ट हो गए पीपल हमारे जैसे, वो अब क्या करेंगे, खुद ही उसका इंतजाम कर देते है। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? यस सर। यस। तो लेटेंट हीट का मीनिंग है वो हीट जो स्टेट को चेंज करने में यूज होती है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने अब्सॉर्ब ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक आइस है मेरे पास और एक वाटर है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब कौन सा वाला कोल्ड लगेगा, यानी कि आइस आपको ठंडा लगेगा या वाटर ठंडा लगेगा? गिव मी योर आंसर। सर आइस। आइस। कौन ठंडा लगेगा ज्यादा? आइस। सिंपल चीज है आइस। अब क्यों ऐसा? टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, फिर भी आइस हमें ज्यादा थोड़ा कोल्ड लगेगा। उसका रीजन ये है क्यों, अभी भी वाटर के अंदर जो हीट है ना वो ज्यादा है 0 डिग्री आइस से कंपेयर में, यानी कि आइस के कंपेयर में वाटर जो है उसके अंदर थोड़ी हीट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब जब हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हीट क्या होगी, रिलीज होती है। तो अब वो रिलीज कहां से हुई, वाटर में से, इसलिए आइस ज्यादा ठंडा फील हो रहा होता है। अब काफी सारे बार टीचर्स जो होते हैं ना वो आपको यही क्वेश्चंस में काफी सारे वर्ड्स बना देते हैं, जैसे आपको पूछेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपको पूछेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आपको आंसर क्या लिखना है? मिला यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको सुनना है, सुन लो बच्चों। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, याद रखो फिर से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अदरवाइज काफी बार यहाँ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज एब्सॉर्ब भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो काफी बार ऐसे भी बोलेगी कि लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, सॉरी वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो कौन बोलेगा आंसर? चलो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का आंसर कौन बोल सकता है? एक मिनट बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब बोलो. चलो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कौन आंसर दे सकता है उसका? सर मैं आई? या या श्योर. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट इन द सेम टेम्परेचर. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड इनटू गैस एट द सेम टेम्परेचर. वेपराइजेशन में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वर्ड आना चाहिए, बाकी का तो सेम ही है. क्लियर? यस यस. ओके, ऐसा पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ सोलिडिफिकेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ, बस वही पूछे. चलो लेटेंट हीट ऑफ सोलिडिफिकेशन का कौन आंसर देगा मुझे? समय आए? या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फ्रॉम ऑफ द सेम टेम्परेचर. एट द सेम टेम्परेचर, राइट? सिंपल चीज है, आपको ये याद रखना है कि आपको ये एक याद होगा ना, ये फिगर जो अभी मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, तो आपको काफी सारे आंसर आप खुद बना सकते हो. इसलिए प्लीज इस फिगर को 2 से 3 बार 4 बार अपने जब तक लर्न ना हो ना तब तक याद रखो और प्रैक्टिस कर लो, बहुत काम आने वाले. तो लेटेंट हीट में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है. मैं कोई टॉपिक को आगे बढ़ा सकता हूँ, यस और नो? डाउट हो तो बोल दो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू द अदर टॉपिक. नहीं ना कोई? चलो, सो हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर्स का, इवापोरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन? कैन यू गिव मी द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड बॉइलिंग? सर इन इवापोरेशन द water is converted into gaseous form. Okay. So boiling में क्या होता है बच्चों? उसमें भी वही होगा ना, evaporation में भी water में से liquid gas में हुआ, evaporation में क्या हुआ? Water में से, यानी कि liquid में से gas में हुआ. तो boiling में भी क्या हो रहा है? Liquid में तो gas ही हो रहा है. But I want the exact difference between the evaporation and boiling. Can any students give the answer? Sure. Yeah. Just try. आपको जरूरी नहीं कि सच ही हो, क्योंकि मैंने समझा ही नहीं है अभी, तो आप आंसर दो दे सकते हो प्लीज. ओके चलो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा. तो इवापोरेशन मींस व्हाट? अब देखो बॉइलिंग का मीनिंग क्या है, पहले तो वो हम समझ लेते हैं बॉइलिंग क्या है. अब बॉइलिंग मींस व्हाट कि जब मैं कोई लिक्विड को हीट देके, यानी कि आपको मैंने क्या किया, गर्म किया और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. जब लिक्विड को मैंने हीट दी, लिक्विड को जब मैंने हीट दी और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तब उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग. तब हम उसको बोलेंगे बॉइलिंग. याद रखो बच्चों, जब लिक्विड को हम क्या देंगे, हीट देंगे, यानी कि उसको गर्म करेंगे, तब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग बोलेंगे. लेकिन अब देखो, आपने जिस एग्जाम्पल फॉर एक पानी का कोई कंटेनर या छोटा सा बाउल के अंदर पानी रखा और आपके टेरेस के ऊपर आपने रख दिया पानी भर के, ऐसे 3-4 दिन के बाद आप जाओगे तो पानी होगा यहाँ? एब्सोल्युटली नो, क्योंकि वो पानी कहाँ चला गया, हवा में वेपराइज हो गया. अब यहाँ हम बात करें कि क्या हमने यहाँ उसको जानबूझ के हीट दी थी? नहीं. तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो इवापोरेशन हो रही है, क्योंकि हमने उसको कोई, अब देखो आपको जरूरी नहीं है कि इवापोरेशन के लिए आपको बाहर या फिर हीट के या फिर सन के बीच में या फिर सन के सामने ही रखना पड़ेगा. आप घर में भी एक बार ट्राई कर लेना बच्चा,
कि घर में भी आप यदि ऐसे पानी भर के रखोगे 10-12-13 दिन के बाद वो पानी रहेगा ही नहीं, आप घर के अंदर तो सन आ ही नहीं रहा है। तो वो जो है वो यहाँ जो कन्वर्ट हो रहा है वो कन्वर्जन कोई हीट देने से नहीं हो रहा है, वो कन्वर्जन कुछ अलग प्रोसेस से हो रहा है। यहाँ ऐसा कुछ होगा कि जब आपको पता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे होते हैं, और मूवमेंट करने से उसके पास खुद की एक एनर्जी होगी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ध्यान रखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। उसके पास खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी है, समझ लो कि यहाँ पानी भरा हुआ है, ओके, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब समझ लो ऊपर के जो मोलिक्यूलर्स है, जो ऊपर के लेयर के, कौन से सरफेस के लेयर, यहां समझ लो यहां उसका सरफेस है। अब वो सरफेस के मोलिक्यूलर्स होते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब बोलोगे अब ऐसा तो क्यों, 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक, 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक। ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द एक ऐसा साइंस का इन्वेंशन, एक ऐसा लॉ है जिससे ऑलमोस्ट लॉ जो है ना वो फाइंड हुए। तो उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग लेवल पे जा रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करना 11th स्टैंडर्ड का, मैं आपको कंसेप्ट यहाँ एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ होगा ऐसा कि अंदर के जो मोलिक्यूलर हो गए, समझ लो कि मेरे पास ये वाटर का मोलिक्यूलर है, उसके ऊपर कौन, आसपास वाले सारे मोलिक्यूलर्स क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे आसपास चारों डायरेक्शन में। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो थोड़ी कम होगी कंपेयर टू दिस मोलिक्यूलर। अब होगा क्या, समझ लो यहाँ सरफेस के ऊपर कोई मोलिक्यूलर है यहाँ, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, खाली नीचे वाले मोलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे। इसके ऊपर फोर्स लग रहा था 15 न्यूटन बाकी के मोलिक्यूलर्स का, और ये जो सरफेस के ऊपर वाटर के मोलिक्यूलर है उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल, समझ लो एग्जांपल 20 भी नहीं, एग्जैक्टली हाफ ले लेते 25, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा 25 न्यूटन। अब फोर्स इसके ऊपर कम लग रहा है, एग्जांपल फॉर आप खड़े हो, आपको कोई पकड़ के रखा है, तो आपकी एनर्जी कम हो गई। अब यदि आपके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, आपके ऊपर कोई आपके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं, आप फ्री हो, तो आपके पास आपकी खुद की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। तो यहाँ क्या सिचुएशन होगी कि अंदर के जो मोलिक्यूलर होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऊपर के जो सरफेस के मोलिक्यूलर से उसके कंपेयर में यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, और सरफेस वाले जो मोलिक्यूलर है उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी। क्यों, उसके ऊपर कम फोर्स लग रहा है, लेस फोर्स मींस ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। याद रखो जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कम लग रहा होता है तो उसके पास एनर्जी उसकी खुद की बढ़ जाती है। तो सिंपल सी चीज मैंने आपको यहाँ समझा दी कि ऊपर के जो पार्टिकल्स है, सरफेस के जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर, ऊपर के पार्टिकल्स के ऊपर उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, क्यों होगी वो मैंने आपको समझा दी। अब उससे क्या होगा, समझ लो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा है तो उससे क्या होगा, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर के सरफेस के मोलिकुलर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने सीखा था कि जब सॉलिड होता है तो सॉलिड के पार्टिकल्स की खुद की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। एनर्जी किसके अंदर ज्यादा होती है, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर मोलिकुलर्स की एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ भी लिक्विड के मोलिक्यूलर्स की एनर्जी ज्यादा होगी। और यदि हम उसको लिक्विड से भी यदि थोड़ी एनर्जी बढ़ाए तो हो जाएगा कन्वर्ट गैस के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स एट द सरफेस इज वेरी हाई, ड्यू टू दिस एनर्जी इट ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो नीचे के जो मोलिकुलर है उसका फोर्स है ना, वो खुद को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो अब नीचे के जो पार्टिकल उसको खींच रहे थे अपने आप, वो अब खींचना बंद कर देंगे, तो अब वो हो जाएंगे फ्री। ये जो सरफेस के मोलिकुलर है वो हो जाएंगे अब फ्री,
अब फ्री है तो क्या हो जाएगी, ऊपर चले जाएंगे। अब जैसे वो लिक्विड में से अलग हुए, ऊपर क्या था हवा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कंटिन्यूस वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इस फिनोमिना को हम बोलेंगे इवापोरेशन, इसको हम बोलेंगे इवापोरेशन, यानी कि हमने हमने कोई हीट दिए बिना कोई भी मोलेक्यूलर्स को वेपर में कन्वर्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। आई थिंक आपको अब क्लियर होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब पूरी डेफिनेशन हम देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है उसके जरिए। इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी, तो ऊपर के जो सरफेस वाले हो गए मोलिक्यूल उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब एनर्जी ज्यादा है तो किसी को भी वो ब्रेक कर देगा, यानी कि जो अपने ऊपर जो फोर्स लग रहा था, तो इट इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल, यानी कि जो दूसरे पार्टिकल्स थे उसके उसका उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कन्वर्ट सॉरी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो खुद हो जाएगी वेपर में कन्वर्टेड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो दिस फिनोमिना ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, यहाँ आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, आप अगासी के ऊपर टेरेस के ऊपर रखोगे तो भी इवापोरेशन होगा, और यदि आप घर के अंदर रखोगे तो भी इवापोरेशन होगा ही। दैट मींस यहाँ आपको टेम्परेचर कोई भी हो, यहाँ इसलिए लिखा है एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और वो भी उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी वो इवापोरेट हो सकता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन। तो वापिस समझा रहा हूँ, ध्यान रखो सरफेस के ऊपर मोलेक्यूलर्स है, उसकी खुद की एनर्जी ज्यादा है, वो ब्रेक कर देगा फोर्स को और वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। यहाँ आपको कोई भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने खुद के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर में वो लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड द इवापोरेशन। क्लियर? कोई भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो प्लीज बोल सकते हैं। श्योर ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते इवापोरेशन के फैक्टर्स। अब ऐसा तो क्या हो सकता है कि हम इवापोरेशन का रेट, अब देखो ये आईएमपी टॉपिक है, ये जो चीज थी ना उसके खाली आपको वैसे तो कॉन्सेप्ट भी समझना था और उसके डेफिनेशन याद रख लो, एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, डिफाइन द इवापोरेशन, तो आपको ये डिफाइन लिख देनी है, एंड गिव द फैक्टर विच अफेक्ट द इवापोरेशन, आपको वो फैक्टर के नाम लिखने हैं जो इवापोरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। याद रखो कौन कौन से फैक्टर डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, जब हमें इवापोरेशन बढ़ाना है यानी कि वेपर में ज्यादा फटाफट यानी कि अपने बॉडी में से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देना है तो क्या हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया कैसे, यहाँ एक पिक्चर्स दिया हुआ है इससे आप इजीली समझ सकते हो। कहाँ क्या है ये पिक्चर, कि जब आप कोई भी कपड़े को जब सुखाने जा रहे हो ओके, तब हम उसको क्या कर देते, स्प्रेड कर देते, या हम उसको क्या करेंगे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे उसको दबोच के एकदम छोटे से छोटा बना दे रिंग लगा के उसको बाहर फेंक दिया और सॉरी ऊपर रख दिया टेरेस के ऊपर और उसमें से पानी निकल जाएगा और वो एकदम सूख जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। इसलिए तो हम क्या करते हैं जनरली उसको स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करने का मेन रीजन से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना। तो पहला क्लियर है कॉन्सेप्ट की इंक्रीज द सरफेस एरिया इट इंक्रीज द इवापोरेशन। सेकंड टेम्परेचर, अब इसीलिए तो हम क्या करते हैं, यदि इवापोरेशन को बढ़ाना है उसकी स्पीड इंक्रीज करना है, टेम्परेचर उसके ऊपर अफेक्ट जरूर करेगा ओके। कैसे, कि यदि आप समझ लो कि टेरेस के ऊपर कपड़ा सुखाते हो और घर के अंदर सुखाओगे तो क्या होगी चीज, सिंपल चीज है, टेरेस के ऊपर थोड़ी से ज्यादा टाइम सॉरी कम टाइम के अंदर वो इवापोरेट हो जाएगा और सूख जाएगा, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ टेरेस के ऊपर क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्लियर? सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर इट इंक्रीज विद द इवापोरेशन रेट। नाउ ये भी क्लियर हुआ टेम्परेचर, यहाँ आपको याद रखना है स्प्रेड करेंगे हम, यहाँ याद रखना आपको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे ऐसी जगह रखेंगे जहां हीट ज्यादा हो टेम्परेचर ज्यादा हो। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या, ह्यूमिडिटी यानी कि एटमोस्फियर के अंदर, एटमोस्फियर के अंदर जब ह्यूमिडिटी होती है तब इवापोरेशन का रेट हमारा डिक्रीज होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम,
यदि इवापोरेशन इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, तो हम ह्यूमिडिटी को कम कर देंगे। अब बोलेंगे सर केस है, तो सिंपल चीज है, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में आप क्या करोगे, विंटर सीजन में, विंटर सीजन के अंदर क्या करोगे, घर में रखोगे। क्यों घर में रखोगे, घर के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है कंपेयर टू आउटर एरिया, तो ह्यूमिडिटी कम करने से भी हम इवापोरेशन का रेट क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी क्लियर है, ह्यूमिडिटी यानी कि एक ऐसी जगह जहां वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। ओके, अब नाउ इंक्रीज इन द विंड स्पीड, उसको कैसे इवापोरेशन से अफेक्ट करेंगे, यानी कि इवापोरेशन का जो रेट है वो विंड स्पीड से कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल फोर, आपको आपने जनरली फील किया होगा कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर विंड ज्यादा हो, हवा ज्यादा स्पीड से फैल रही होती है, यानी कि ज्यादा पवन होता है, तब हमारा जो कपड़े होते हो तुरंत सूख जाते हैं, जस्ट बिकॉज स्पीड ज्यादा है। अदरवाइज आपने काफी बार ऐसा भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी चीज को सुखाना है तो उसको पकड़ के जोर जोर से मूवमेंट कराना स्टार्ट कर देते। याद है जैसे एग्जांपल फॉर मेरा मेरे पास कोई भी एक मेरा शर्ट है, टी शर्ट है, उसको मुझे सुखाना है, अब जल्दी हो रहा है मुझे, ओके मैं वेट नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, ऊपर फैन चालू कर दूंगा, फैन करने के बाद और जोर से उसको क्या करूंगा, हाथ से उसको हिलाना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों, यहाँ विंड स्पीड बढ़ी तो इवापोरेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप ये सारे फैक्टर आप क्लियर हुआ है, तो फर्स्ट सरफेस एरिया, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ है विंड स्पीड। क्लियर, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट्स को? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हाउ डज द इवापोरेशन कॉज द कूलिंग। इवापोरेशन वैसे छोटा सा टॉपिक है, ओके, इवापोरेशन कूलिंग में कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो सिंपल चीज है, बहुत इजी है, कि जब कोई भी लिक्विड जो होते हैं उसके पास एनर्जी कंपेयर टू एयर जा कम होगी, तो वो क्या करेगा, जैसे एग्जांपल फॉर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, चलो कैसे, कि अभी तो क्या सभी के घर के अंदर एसी आ गई है, लेकिन काफी टाइम पहले जब घर में एसी नहीं थी तो लोग क्या करते थे पता है, जैसे नीचे के मकान हो तो बाहर पानी, जैसे गांव में यदि गए हो तो गांव में यदि हम जनरली गुजराती में फळियू कहवाय, आपने फळियानी अंदर शू करिए आपने पानी छाटी देता हुई, तो सेम सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पानी डाल के पानी छिड़काव करके पूरा पानी, जब वो पानी छिड़काव कर रहे होते तब आपने एक चीज फील की होगी कि आप थोड़ा ज्यादा कूल फील कर रहे हो, यानी कि आपका जो एरिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हो जाएगा कम। यही चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप गीले होते हैं तो आपको ज्यादा क्या लगेगी, जब आप गीले होते हैं तो ज्यादा आपको क्या लगेगी, यस वेरी गुड, क्या लगेगा आपको, एक कोल्डनेस, यानी कि सॉरी कोल्डनेस आपको फील होगी, यानी कि एक ठंडी फील होगी आपको। ओके, क्यों, क्योंकि आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूलर है वो क्या करेंगे, वो हीट जो आसपास आप हमारे आसपास है, जैसे एग्जांपल फॉर ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूलर है, ओके, अब वो वाटर के मॉलिक्यूलर्स क्या करेंगे, आसपास की ये इतनी है, ये क्या है, हीट है, अब आपको हीटनेस यानी कि गर्मी लग रही है, अब वो वाटर के मॉलिक्यूलर क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर में कन्वर्ट होके हवा में चले जाएंगे, वो खुद तो क्या हो गए, वेपराइज हो गए, इवापोरेट हो गए, लेकिन आसपास की हीट को भी साथ में ले गए, जिसकी वजह से आसपास आपको कूलिंग महसूस होती। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। अब लास्ट टॉपिक, जैसे एक बार आपको ये सारे एग्जांपल है ना, उसमें आपको आंसर सेम लिखने हैं, आपको खुद बनाने हैं ये आंसर आपको, कि why should we wear the cotton cloth in summer? हम क्यों कॉटन क्लॉथ पहनते हैं? अब देखो, ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो टाइमिंग है वो अभी खत्म होने में है, ऑलमोस्ट एक मिनट जैसा बाकी है, तो फटाफट ध्यान देना यहाँ, तो हम क्यों कॉटन क्लॉथ पहनते होते, और दूसरा है रीजन की वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस, क्यों हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, और दूसरा रीजन है कि जैसे पानी के ग्लास होता है उसके आसपास ये ऐसे ड्रॉपलेट क्यों हो जाते, उसका आंसर के लिए आपको
दूसरी बार लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी यहाँ हम लेक्चर खत्म कर दे, तुरंत ही जैसे मैं यहाँ एंड करूं मीटिंग को, तुरंत आप वही लिंक जो मैंने अभी ग्रुप में भेजी उसको कनेक्ट कर लो। तो कनेक्ट कर लोगे तो वापस यही लेक्चर हमारा कंटिन्यूस हो। थोड़ा सा टॉपिक था जिस बाकी रह गया था हमारा, अब वो टॉपिक है, वैसे टॉपिक तो नहीं, एक रीजंस के तौर पे हम पूछ सकते एग्जाम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगी आपको कि व्हाई शुड वी वियर द कॉटन क्लॉथ इन समर, क्यों हमें समर के अंदर कॉटन क्लॉथ ही पहनना चाहिए। पहले तो समर सीजन के अंदर सबसे ज्यादा हीट ज्यादा होगा, अब हीट की वजह से जनरली प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो बॉडी है उसके अंदर से हीट रिलीज होती है। अब समझ लो कि ये आपकी बॉडी है, समझ लेना है ओके। ये अब यहां यदि आपने ऐसा क्लोथ पहना कि जो बॉडी से निकल रही हीट को इवापोरेट ना कर पाए, तो पूरी की पूरी हीट आपने आपकी बॉडी के अंदर ही रहेगी, और जिसकी वजह से आपको एक आपको क्या ऐसे अपना जो हॉटनेस जैसा फील होगा ओके। और यदि आपने समझ लो कि कॉटन क्लॉथ पहने, अब कॉटन क्लॉथ के अंदर क्या होता है, कॉटन क्लॉथ में एक चीज होती है, कॉटन क्लॉथ होता है ना ऐसा जाली जैसा होता है ओके। उसके जो कॉटन क्लॉथ बनते कैसे, एक छोटे छोटे हम जनरली कॉटन के जो रेसे होते हैं उसको ऐसे बना देते हैं ओके। तो यहाँ क्या होगा, अब जैसे उसको आप मैग्निफाई करके देखोगे तो हर एक क्लॉथ के अंदर आप ऐसे छोटे छोटे होल देखोगे। तो कॉटन क्लॉथ में क्या होगा जनरली कि मोलिकुलर जो वाटर के मोलिक्यूलर्स है वो मोलिकुलर ये बीच में जो जगह थी वहां से इजिली इवापोरेट हो सकते हैं। आपकी बॉडी से जो वाटर के मोलिक्यूलर निकले वो वाटर कॉटन क्लॉथ में से इजिली क्या हो सकती है, वो इवापोरेट हो सकती है। यानी कि बॉडी की जो हीट है वो अब आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, बाहर निकल जाएगी। तो सिंपल चीज है, बाहर निकलेगी तो आसपास की जो हीट है उसको लेके जाएगी वो खुद, और वो पानी जब वाटर ड्रॉपलेट वो हीट जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको एक अच्छा फील होगा। सो दैट्स व्हाई वी रिकमेंड द कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। क्लियर है, कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को? नो सर, क्वेश्चन इसी हिसाब से ही है, ऐसा ही है, उसका रीजन सेम ही आएगा। काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिस मैंने आपको ये दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए लिखे हुए हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass? क्यों ऐसा होता है? अब यदि अंदर का क्या भरा हुआ है कंटेनर के अंदर, तो आइस कोल्ड वाटर भरा होता है। अब सिंपल चीज है, जब अंदर आइस है या फिर कोल्ड वाटर है तो वो एकदम ठंडा होगा, तो यानी कि उसके अंदर हीट कम होगी। अब बाहर क्या होगी हीट, बाहर की जो हीट होती है वेपर जिसको एयर बोलते हैं ओके, तो वो वेपर के पास वाटर के मॉलिक्यूलर होगी लेकिन वो एयर यानी कि गैसियस फॉर्म में होगी। अब क्या होगा, ये जो हीट है अंदर एकदम ठंडी है तो बाहर की जो हीट है उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी अंदर। तो बाहर की जितनी भी हीट होती है वो अंदर जाने का ट्राई कर रही है, पर प्रॉब्लम है कि बीच में जो बीकर है उसका कंटेनर है वहां से वो अंदर तो जा नहीं सकती। तो क्या होगा, सारे जो मोलिकुलर्स है वो एकदम छूटे छूटे थे, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो नजदीक नजदीक यहाँ आ जाएंगे साथ, एकदम नजदीक नजदीक और हाई मोलिकुलर्स है वो एक साथ यहाँ आएगी। अब सिंपल चीज है, जब एकदम हाई प्रेशर से हाई एनर्जी से हम जब नजदीक आएंगे वाटर यानी कि एयर के मोलिक्यूलर वाटर के मोलिक्यूलर, वो मोलिक्यूलर यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर के अंदर। क्लियर, क्या हुआ, बाहर वेपर होता है, वेपर के पास हीट ज्यादा होती है। अब सिंपल चीज है, अंदर आइस यानी कि ठंडा है, और हीट कहाँ ट्रांसफर करने का ट्राई करेगी, अंदर जाने का। अब अंदर तो जा नहीं सकती, बीच में तो कंटेनर आ रहा है, तो सारे मोलिकुलर का आ जाएगी यहाँ, टकरा के इकट्ठा हो गई यहाँ, इतना एकदम नजदीक नजदीक हो गए। तो मोलिकुलर जब नजदीक नजदीक हो जाएगा, जो अलग अलग थे जो एयर में थे वो नजदीक होके वो हो जाएंगे वाटर के फॉर्म के अंदर। इसी हिसाब से ये सारे वाटर के मोलिकुलर्स यहाँ इकट्ठा होते, यानी कि आपको वाटर ड्रॉपलेट बाहर दिखता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होगा, काफी सारे ऐसे भी मान रहे होंगे, जैसे मैं भी खुद जब छोटा था तो ऐसे ही मानता था
ये जो वाटर है ना अंदर से, अंदर के जो पानी है ना मोलिक्यूलर्स, वहां से वो आए, ऐसा नहीं है बच्चों। ये सारे मोटे वाटर के मोलिक्यूलर्स एक्चुअली बाहर से आए थे और यहाँ इकट्ठा हुए है। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट अब? यस और नो? नो सर। आंसर? नो सर। सो आज यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। बहुत इजी कंटेंट थी आज की। एक तो लेटेंट हीट के बारे में समझ लो, वो हीट जो एक्चुअली स्टेट को, मैटर का स्टेट चेंज करने में यूज होती है। दूसरा था इवापोरेशन, तो वो ऐसा है प्रोसेस जिसके अंदर हम खुद गर्मी या कि हीट नहीं दिए, वो अपने आप बाहर से ऊपर वाटर के मोलिकुलर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन से फैक्टर के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं? तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, और दो तीन रीजन थे। ओके, वो यदि समझ लो तो आज का टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से आपको एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, वो पीडीएफ फाइल आपको लर्न कर देनी है और वन टाइम लिख देनी है। ओके, और होमवर्क आपको कल मॉर्निंग के अंदर दिखा देना। यदि कोई डाउट डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम। सो दो बच्चों, कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से। मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye, take care.